नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक और भगोड़ा जाकिर नायक को तो आप जानते ही होंगे। इस आदमी पर इस्लामिक कट्टरपंथ फैलाने के चलते कई केस दर्ज हैं, जिससे बचकर ये एक देश से दूसरे देश भागता रहता है। जाकिर नायक अपने घटिया मंसूबों को पूरा करने के लिए पीस टीवी नाम का एक चैनल भी चलाता है। इस चैनल का इस्तेमाल धार्मिक असहिष्णुता और हिंसक अतिवाद को उकसाने समेत इस्लामिक कट्टरपंथ को फैलाने के लिए किया जाता है। इतना नहीं, पीस चैनल पर ब्रिटेन, कनाडा, भारत और बांग्लादेश में बैन तक लगाया जा चुका है, क्योंकि इस चैनल के जरिए आईएसआईएस के भर्तियों में शामिल करने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता था। भारत में जाकिर नायक पर मनी लॉन्ड्रिंग और कट्टरता को बढ़ाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी की डर से जाकिर 2016 में मलेशिया भाग गया था, जिसे जून 2017 में कोर्ट ने अपराधी घोषित कर दिया। मलेशिया में भी इसने अपना जहर उगलना लगातार जारी रखा, जिसके चलते इस पर मलेशिया में अल्पसंख्यक हिंदुओं और चीन के लोगों की भावनाएं आहत करने का भी आरोप लगा। अब इसी कड़ी में विवाहित इस्लामिक उपदेशक और भारत के भगोड़े जाकिर नायक के चैनल पीस टीवी और पीस टीवी उर्दू पर ब्रिटेन ने 3 लाख पाउंड यानी कि लगभग 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना ब्रिटेन में मीडिया पर निगरानी रखने वाले नियामक ऑफकॉम ने लगाया है। ऑफकॉम ने देश में नफरत फैलाने वाले भाषण और आपत्तिजनक चीजें प्रसारित करने के मामले में पीस टीवी पर 3 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया है। ऑफकॉम ने अपने बयान में कहा है कि हम इस फैसले पर पहुंच रहे हैं कि ये सामग्री प्रसारण संबंधी हमारे नियमों का पालन करने में गंभीर असफलताओं को दर्शाती है और इसके लिए जुर्माना लगाए जाने की आवश्यकता है। ऑफकॉम ने आज पीस टीवी उर्दू के लाइसेंस धारकों पर 2 लाख पाउंड और पीस टीवी पर 1 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया है। बता दें कि पीस टीवी पर लॉर्ड प्रोडक्शन लिमिटेड का मालिकाना हक है और पीस टीवी उर्दू का लाइसेंस क्लब टीवी के पास है। दोनों की मूल कंपनी यूनिवर्सल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसका मालिक 54 साल का जाकिर नायक है। और अब इसी जाकिर नायक को अपनी घटिया मानसिकता के प्रसारण का जुर्माना भरना होगा। ब्रिटेन में पहले इस चैनल को बैन किया जा चुका है और काफी समय से इस जाकिर नायक पर कार्रवाई चल रही है। ब्रिटेन में पीस चैनल को दर्शकों को अपराध के लिए उकसाने, घृणा को बढ़ावा देने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने की वजह से बैन कर दिया गया है। मीडिया रेगुलेटर ऑफकॉम के मुताबिक पीस टीवी ने अपने कार्यक्रमों में ब्रॉडकास्टिंग कानूनों का उल्लंघन किया था, जिसमें समलैंगिकों को पशुओं से भी बेहतर बताते हुए उनकी तुलना सुअर से करते हुए LGBTQ समुदाय के लोगों को बीमारियों का वाहक बताया था, जिसके बाद इस चैनल को बैन कर दिया गया था। और अब जाकिर नायक पर उसकी ऊंची सोच के लिए 3 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।